हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30x50 फीट का बेस्ट हाउस प्लान। 30x50 मतलब 1500 स्क्वायर फीट का जो है यह हाउस प्लान होने वाला है। तो आप देख सकते हो इस तरह का जो है यह हाउस प्लान होगा। घर का जो नक्शा है इस हिसाब से होने वाला है। और यह जो घर का नक्शा है इसके पीछे की तरफ भी चौड़ाई आपको करीबन 30 फीट की देखने को मिलेगी और लंबाई जो है यह करीबन 50 फीट की आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पीछे की तरफ आपको एक वॉश एरिया दिखेगा। 14 फीट बाय 5 फीट इसकी साइज होने वाली है। बगल में आपको थोड़ा सा गार्डन एरिया भी मिलेगा, सेम साइज जो वेस्ट एरिया की है। उसके आगे आपको एक बहुत ही बड़ा बेडरूम देखने को मिल जाएगा। ये जो बेडरूम है इसकी साइज भी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये जो बेडरूम है इसकी साइज जो होने वाली है वह 13 फीट बाय 13 फीट की होने वाली है। उसी के बगल में आपको एक बड़ा टॉयलेट जो है वह देखने को मिलेगा, जिसकी साइज भी बहुत ही अच्छी है। और यह बड़ा टॉयलेट प्लस बाथरूम होगा। तो इसकी जो साइज है वह करीबन 5 फीट बाय 8 फीट 10 इंच की होने वाले हैं। इसी के बगल में आपको जो है किचन रूम देखने को मिलेगा। बड़ा सा किचन रूम इसके साथ मैच एरिया अटैच होगा। और यह जो किचन है इसकी जो साइज होने वाली है 9 फीट बाय 12 फीट 3 इंच की, ठीक है। उसके आगे आपको एक बाथरूम देखने को मिलेगा। यह अटैच्ड बाथरूम होगा आगे जो बेडरूम है उसके साथ। अब यह जो बाथरूम है इसकी जो साइज है वह करीबन होने वाली है 8 फीट 10 इंच बाय 5 फीट की, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए आगे की तरफ देखने को मिलेगा एक बड़ा सा ड्राइंग रूम जो हमारे में डोर से कनेक्ट होगा। ये जो ड्राइंग रूम है इसके साथ हम डाइनिंग एरिया अटैच कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल वगैरह जो भी है वह यहाँ पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा सा ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा। तो ये जो ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग रूम है इसकी जो साइज होने वाली है 13 फीट बाय 18 फीट बाय 3 इंच साइज होने वाली है। बगल में आपको फिर से एक बड़ा सा बेडरूम देखने को मिलेगा। इसके साथ जो है हमारा टॉयलेट अटैच होगा। तो ये जो बेडरूम है इसकी जो साइज होने वाली है वह है 14 फीट बाय 13 फीट का बड़ा सा बेडरूम यह होने वाला है। उसी के आगे आप देख सकते हैं आपको एक बड़ा सा पार्किंग एरिया भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पार्किंग कर सकते हो। तो ये जो पार्किंग एरिया है इसकी जो साइज होने वाली है वह करीबन 13 फीट 2 इंच बाय 12 फीट 8 इंच का यह बड़ा सा पार्किंग एरिया होने वाला है। आगे की तरफ सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के बगल में आपको एक बड़ा सा गार्डन एरिया भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साड़ी साइड देखो, चारों बाजू इसका छोड़ा गया है, तो बहुत ही अच्छा यह जो है 30x50 का घर का नक्शा होने वाला है। तो यह 30x50 का जो घर का नक्शा है करीबन यह जो है हमारा 1500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। इसका जो एलिवेशन भी जो बनेगा बहुत ही जबरदस्त बनने वाला है। इसके एलिवेशन, अगर आप इसका एलिवेशन डिजाइन करते हो तो देखिए इस तरह का कुछ यह इसका जो बाहर का जो एलिवेशन है यह बनाकर दिखेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत ही अच्छा प्लान है यह 30x50 का, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो आज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं 15 फीट बाय 36 फीट का बेस्ट हाउस प्लान। 15 बाय 36 मतलब के साथ डिजाइन है, वह भी देखने वाले हैं। अब हम ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया में प्रवेश कर रहे हैं। यह जगह बहुत ही खुली और हवादार है, जहां आप आराम से समय बिता सकते हैं। यहां पर